तो भाई साहब, इस टाइम यानी 29 मार्च को बैक टू बैक तीन ऐसी मूवीज आई हैं जो एक इंटरनेशनल जेनर को फॉलो करता है, एक नेशनल को फॉलो करता है और एक रीजनल को फॉलो करता है। और तीनों मूवीज में गुत्थम गुत्था लगी हुई है कि मैं आगे बढ़ या तू आगे बढ़, क्योंकि इंडियन सिनेमा में तो देखने को मिल रहा है। एंड इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो हॉलीवुड की गॉडजिला एक्स कॉन्ग अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, जो अपनी नेशनल एंड रीजनल लेवल की मूवीज़ को भी खदेड़ रही है। लाइक क्रू की बात कर लें, जो अभी करीना कपूर खान एंड तबू एंड कृति सनन के मेन लीड स्टार पर बनाई गई है, जो कॉमेडी जेनर को फॉलो करता है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग सबको पता है, मॉन्स्टर वर्स में भाई साहब एक्शन को फॉलो करता है। देन उसके बाद अगर रीजनल लेवल की बात करें, मलयाली लैंग्वेज मूवी द गोट लाइफ आई है, वो अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, जो बॉलीवुड की क्रियो मूवी को अच्छा खासा टक्कर दे रही है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग को टक्कर नहीं दे रही है, क्योंकि वो अलग हाइप सेट करके चल रहा है। मतलब मॉन्स्टर वर्स के लिए अलग फैंस पागल हुए थे और वो अच्छा खासा स्पॉट अपना लेके जा चुका है और अच्छी खासी हाईलाइट अपने लिए ले रहा है, अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ले रहा है। तो अभी तीनों मूवीज की रिपोर्ट को कवर अप करेंगे कि कौन सी मूवी कितने पानी में है, मतलब कौन कितना कलेक्शन कर रही है। लेकिन अगर आप रेगुलर हो तो भाई साहब एक लाइक एक सपोर्ट बनता है, आपका नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाकी शुरुआत करते हैं क्रू मूवी से, स्टार्ट करेंगे बॉलीवुड की क्रू मूवी, जो जैनर फॉलो करती है कॉमेडी फन ड्रामा और अच्छा खासा, मतलब ऐसा लग रहा था कि थैंक यू फॉर कमिंग जैसा कोई बेवकूफ़ी ना कर दें, लेकिन भाई साहब वो हिसाब किताब नहीं देखने को मिला। यानी जो फेमिनिज्म को सपोर्ट के चक्कर में बहुत कुछ ऊट पटांग चीज़ें वो दिखा रहे थे, पर वैसा कुछ नहीं था। मूवी दमदार है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखो, वन टाइम वॉचेबल है। मैं उसके बाद अगर बताऊँ तो फर्स्ट डे इन्होंने अपने कलेक्शन में रखा था 9.5 करोड़, सेकेंड डे यानी कल को 10 करोड़, एंड आज संडे को अर्ली एस्टिमेट 7 से 8 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो पहले 3 दिन का नेट इंडियन कलेक्शन होता है 27 करोड़। देन ग्रॉस कलेक्शन पहले 3 दिन में 32 करोड़, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 48 करोड़, आज मूवी एंड ऑफ द डे तक कवर अप करती नजर आ रही है अपने खाते में। बात करें भाई साहब गॉडजिला एक्स कॉन्ग की, तो इसने अलग ही तबाही मचा रखी है। वैसे मूवीज में तो टाइटन्स तबाही मचा ही रहे हैं, न्यू क्रिएचर्स आपको वहां देखने को मिलेंगे। वो मिनी कॉन्ग भाई, अगर आपने मूवी देखी है तो मिनी कॉन्ग वाला सीन याद होगा, वो मतलब अपना कॉन्ग भाई साहब उसे बचाना चाहता है लेकिन वो उसे मार रहा है, तो क्योंकि एक अलग सा सेट बहुत ज़बरदस्त, मतलब डायरेक्शन में एंड राइटिंग में बहुत सॉलिड काम हुआ है। देख के लग रहा है कि भाई साहब ये अपनी सोसाइटी की ही कहानी है, कि जहाँ एक बंदा मसीहा बन के जाएगा बचाने के लिए, लेकिन लोग उसी पे टूट पड़ेंगे वो हिस्सा। तो नहीं देखी तो जरूर देखना अगर एक्शन के लवर्स हो, देन उसके बाद मॉन्स्टर वर्स से प्यार करते हो, ऐसी मूवीज देखते हो तो जरूर देखना। बाकी अगर मैं बताऊँ तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में फाड़ रहा है नेट इंडिया से दमदार, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो अच्छा खासा मिल ही रहा है, इंडिया में भी धमाल मचा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास अदर ऑप्शंस भी हैं लेकिन लोग उनको ना चुन के, अपनी नेशनल एंड रीजनल मूवीज़ को ना चुन के इस इंटरनेशनल मूवी को चुन रहे हैं। फ्राइडे यानी फर्स्ट डे पे 13 करोड़, सैटरडे यानी कल को 12 करोड़, एंड आज ये मूवी एंड ऑफ द डे तक अर्ली एस्टिमेट 10 करोड़, एंड पहले 3 दिन में नेट इंडिया से ये मूवी 36 करोड़ अपने खाते में लेते नजर आ रही है। एंड वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आज अर्ली एस्टिमेट 950 करोड़ या फिर 1000 करोड़ भी ये मूवी टच कर जाएगी पहले 3 ही दिन में। तो आप समझ सकते हो कि इस मूवी को कितना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। क्या ये अवतार द वे ऑफ वाटर को खदेड़ देगी, जिसने अराउंड 4,500 से 5,000 करोड़ के आसपास बिजनेस किया था? हुनोज, देखते हैं, क्योंकि मूवी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है। बात करें रीजनल लेवल की मूवी मलयाली लैंग्वेज द गोट लाइफ की, तो भाई साहब इसने भी अलग तबाही मचाई है। जहाँ पर ये बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज हैं, लोग इन्हें ना चुन के इसे प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि इसके कंटेंट में वो प्योरिटी है, वो चीज़ है जो वो दिखाना चाह रहे थे। भाई साहब मेहनत लगी है, रियल बायोग्राफी है, बायोग्राफी कह सकते हैं रियल इंसिडेंट पर, क्योंकि सऊदी अरेबिया वो जाते हैं लेकिन लीगली नहीं, इलीगली जाते हैं। जो रेगिस्तान में फंस जाता है, मतलब डंकी अगर आपने देखी है तो डंकी में जो सर्वाइव करके जाते हैं वो सर्वाइव यहाँ पर इसे 16 साल करना पड़ा था। नजीम मोहम्मद की कहानी दिखा रखी है और बहुत कुछ, पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, एक ऐसी जेल में फंस गए जहाँ पर आप चिल्लाओगे भी तो दूर दूर तक कोई सुनने वाला नहीं है। तो मूवी को प्यार मिल रहा है, लोगों का अटेंशन ये मूवी खींच रही है अपनी तरफ। तो मूवी कलेक्शन करती है कितना, कलेक्शन के बाद पर चलते हैं। Day 4 यानी आज ये मूवी अर्ली एस्टिमेट है 5 करोड़ के आसपास, और पहले 4 दिन में नेट इंडिया से 27 करोड़ ये मूवी अपने खाते में लेते नजर आ रही है, जो कि बहुत बड़ी बजट की मूवी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये कलेक्शन कर रही है ब्लॉकबस्टर हिट लिस्ट में, इसे पीछे कोई भी नहीं कर सकता है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर बताऊँ तो पहले 4 दिन में 38 करोड़ ये मूवी अपने खाते में लेते नजर आ रही है। पृथ्वीराज सुकुमारन नेल्ड इट,
बहुत दमदार परफॉर्मेंस है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जिस हिसाब से इसमें दिखाया गया। भाई रणदीप हुडा को आपने देखा है, अगर वीर सावरकर मूवी भी देखी होगी तो आप रिलेट कर सकते हो, सेम 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 वैसा ही देखने को मिलेगा। तो भाई तीनों मूवी में से कौन कौन सी आपने देख ली है जरूर हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जाना। मेरी लिस्ट में तीनों ही बहुत ऑसम रही हैं, तीनों के साथ जहां पर मैंने पहले एक्शन देखा, देन उसके बाद कॉमेडी देखा, देन उसके बाद रियल लाइफ में थोड़ा सा आंखें भी गीली करी, गूज़बम्प्स भी लेके आए और एक अलग स्ट्रगल देखा है, तो दमदार है मूवी। नहीं देखी तो जाके जरूर देखना, और देख ली है तो बताना अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बाकी कौन सी मूवी को आप कितना सपोर्ट करते हो और कहाँ से बिलोंग करते हो ये भी बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।